नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधांशु बढ़ानिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आप पाएंगे अपनी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर काफ़ी पेशेंट्स मुझसे मेरे क्लिनिक में पूछते हैं। हो सकता है इनमें से शायद कोई ऐसा सवाल हो जो आपके जहन में भी हो, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सवाल जवाब का यह सिलसिला शुरू करते हैं। डायबिटीज के मरीजों को हर उस चीज से परहेज करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो। हालांकि चीनी के मुकाबले गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन वो इतना भी कम नहीं होता कि आपके शुगर लेवल को ना बढ़ाए। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को गुड़ नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में भी डायबिटीज की बीमारी ना हो, वो लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सवाल ज्यादातर लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और लोगों का ये मानना है कि कैल्शियम लेने से स्टोन्स बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। दरअसल 95% स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। इसके अलावा स्टोन्स बनने का दूसरा सबसे बड़ा कारण आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से ना होना भी होता है। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो आपके शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे स्टोन्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए स्टोन्स होने पर आप दूध पी सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि दूध ज़्यादा ना पिएं। इसके अलावा अगर आप कोई और कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे फौरन बंद कर दें। मेरा ऐसा मानना है कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप से कहीं ज़्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेने के बाद ही काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 10 से 12 घंटों की नींद लेने के बाद भी सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होना बेहद ज़रूरी है। वैसे अगर मेडिकली देखें तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 15 साल से 60 साल तक की उम्र में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वहीं बुजुर्गों को 7 से 9 घंटे सोना बेहद जरूरी है। वैसे तो बाजार में कई तरह के कुकिंग ऑयल्स मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि ये ऑयल आपके हार्ट के लिए अच्छा है, इस ऑयल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा और ना जाने क्या क्या। शहरों में ज्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिफाइंड ऑयल आपकी सेहत के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दरअसल रिफाइंड ऑयल बनाते वक्त बहुत हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे इसके अंदर के न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल्स में ट्रांस फैट भी होता है जो सेहत को नुकसान पहुंचाता है। खाना पकाने के लिए हमारे वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सरसों का तेल, नारियल तेल या मूंगफली का तेल सबसे बेस्ट रहते हैं। इनमें से भी सबसे अच्छा सरसों का तेल होता है। सरसों का तेल बनाते वक्त किसी भी टेम्परेचर टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ कोल्हू में पीस कर ही सरसों का तेल निकल आता है, जिसकी वजह से इसमें सरसों के पूरे न्यूट्रिशन मौजूद रहते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सहायता करती हैं। मस्टर्ड ऑयल को आप सब्जी बनाने से लेकर डीप फ्राई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार की होली पर पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ सरसों के तेल में ही बनाएं। सलाद हमारी डाइट का एक बेहद अहम हिस्सा होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सलाद को खाने के साथ में खाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर सलाद में 90% पानी होता है। जब हम खाने के साथ सलाद लेते हैं तो सलाद में ज्यादा पानी होने की वजह से यह हमारी डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसके अलावा अगर आप सलाद को खाने के साथ खाते हैं तो ये खाने से मिलने वाली एनर्जी को भी कम कर देता है। इसलिए सलाद को हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले ही खाएं। इससे आपको खाना खाते समय भूख कम लगेगी, जिससे खाने से मिलने वाले कार्ब्स कम मात्रा में आपके शरीर में जाएंगे और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा सलाद में मौजूद फाइबर आपके खाने को ईजिली डाइजेस्ट भी करेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हेल्थ रिलेटेड ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।